तो गाइस अभी हम इस रास्ते से आ रहे हैं, उन नदियों को पार करते हुए यहाँ एक मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। ये मंदिर है, पहले यहाँ मंदिर नहीं थी और अभी यहाँ पहले एक छोटा सा मंदिर था, बट इसी को किसी ने मतलब बहुत अच्छे से डेवलप किया, अच्छा बनाया है। बहुत पुराना छोटा सा किला बन गया और एक दुकान है। ये मतलब सावन के दिनों में जैसे लोग कांवड़िया आते हैं उनके लिए इन लोगों ने अच्छी से व्यवस्था की होती है। और ये लोग हमारे नेपाल के बंधु हैं, भाई लोग भाई कर दो यार। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पूजा करने के लिए अगरबत्ती मिलेगा, ये कुछ खाने पीने की सामान मिलेगी, बिस्किट, और जो सबसे बड़ी खास बात है वो यहाँ का आम। ये देखिए, ये पेड़ से डायरेक्ट तोड़ के लाया गया आम है, मतलब इसमें कोई केमिकल मिला के कोई पकाने का नहीं, जो पेड़ से पका होता है वो वाला आम है, उसको खाने का टेस्ट अलग ही, कुछ अलग ही मजा आता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ कुछ देर पूजा करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से अपने सफर को शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।